ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे चंद्रपुर की, जहां चिमूर तहसील के खामबाड़ा गांव में धूप से किसान की हुई मौत। अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां शराब ठेकेदार के लड़कों ने युवक को सामूहिक रूप से पीटा। साथ ही अगली खबर पाकुड़ से है, जहां कोयला डंपर के अनाधिकृत रूट पर चलने से ग्रामीण हो रहे परेशान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर भदोही से है, यहां कोई रौना थाना अंतर्गत इठेरा गांव में गंगा घाट पर नहाने के दौरान लापरवाही से एक ही परिवार के चार बच्चों समेत कुल छह लोग गंगा में डूबने लगे। मौजूद नीरज विश्वकर्मा द्वारा प्रयास कर तीन लोगों को बचाया गया, लेकिन पिता, पुत्र और भतीजा गंगा नदी की धारा में समा गए। गंगा में डूबे तीनों लोगों की स्थानीय गोताखोरों और एसटीआरएफ की टीम द्वारा तलाश की जा रही है। दुर्घटना की खबर से पूरे क्षेत्र परिवार में कोहराम मचा है। मौके पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार सदर साथ ही थाना अध्यक्ष पहुंचे। तलाश के लिए एसटीआरएफ टीम भी बुलाई गई, शव की तलाश कराई जा रही है। उधर एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत से परिवार में पहाड़ टूट पड़ा है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। चंद्रपुर जिले में गर्मी बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। कई जगहों पर लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। वाहन चालक अपने वाहन खड़े कर घर में बैठे हैं, मार्केट लाइन सूनी पड़ी है। वहीं चिमूर तहसील के खामबाड़ा गांव में एक आनंद राव गोपाड़ा ताजनी नामक किसान अपने खेत में काम कर रहे, अचानक बढ़ती धूप की गर्मी के कारण अस्वस्थ महसूस होने लगा। घर आए सुबह घर से निकलते वक्त वो एकदम तंदुरुस्त थे, लेकिन घर आने के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी रास्ते में मौत हो गई। चंद्रपुर से सीनियर संवाददाता एफास की रिपोर्ट। जुन्नारदेव पुलिस अनुविभाग के पुलिस चौकी अंबाड़ा ग्राम पंचायत रिछेड़ा एक व्यक्ति कमल मरकाम पिता सनीलाल मरकाम निवासी रिठेरा का बताया जा रहा है, जो कि घर के पास आ रहा था। तभी अचानक पीड़ित के अनुसार 8 से 10 लोगों ने उसको उठाकर सामूहिक रूप से वार किया। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया, शराब ठेकेदार के गुंडों द्वारा मारपीट की है, कई जगहों पर युवक को गंभीर चोट आई है। जुन्नारदेव पुलिस द्वारा MLCC के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, अपनी शिकायत पुलिस चौकी में दर्ज कराई। मामले की जाँच में पुलिस जुटी। ठेकेदार के 4-5 लड़के लोग ने मुझे रास्ते से उठा के लेके आए दारू भट्टी में, और 8-10 लड़के लोगों ने, जो ठेकेदार के लड़के लोग थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी। डंडा, बैट और सर्किट में मारे हैं, हाथ इधर आजू बाजू सब तरफ। इसकी शिकायत मैंने नज़दीकी चौकी में कर दिया। क्या मांगे इस मामले पर आपकी? अब देखते हैं क्या होता है आगे। अभी आप यहाँ काहे के लिए आए? अस्पताल जाकर कराने आए। बहुत ज़्यादा लगी आपको? कहाँ कहाँ चोटें आई है? पीठ में है, हाथ में है, सामने सीने पे है, सर में है। सामूहिक बार हुआ है क्या? नहीं, अभी अकेला था, वो 8-10 लोग थे। किसने मारा? शराब ठेकेदार की लड़की लोग। ठीक। छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के रांगा गांव में रविवार को कोयला डंपर की चपेट में एक खस्सी का मौत हो गई, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने सभी अनाधिकृत रूट पर चलने वाले डंपर को रोक दिया। कारण कोयला डंपर की लंबी लाइन हो गई। आक्रोशित ग्रामीण ने कहा कि आज एक खस्सी की जान कोयला डंपर की चपेट में मौत हो गई, कल हमारे परिवार चपेट में आएंगे। कोयला डंपर का रूट पचई बेड़ा होते हुए अमड़ापाड़ा है, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर डंपर चालक हिरणपुर लिट्टीपाड़ा होते हुए अमड़ापाड़ा पहुँचता है। बता दें, इससे पहले भी कई बार कोयला डंपर की चपेट में दुर्घटना हो चुकी है। आज तक डंपरों को रोकने में प्रशासन नाकाम है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कोयला डंपर को संबंधित रूट पर चलाने का आग्रह किया है। कोयला गाड़ी पाकुड़ डुमका रोड में डीटी प्रखंड से नहीं चलना चाहिए। आज आप लोग क्यों रोके हैं इस गाड़ी को? ये गाड़ी बकरी दाब दिया है, एक कुर्बानी का खस्सी बड़ा, और इसमें इससे पहले भी दुर्घटना हो चुका है। अब मान लो आज बकरी दबा है, कल बच्चा भी दब जाएगा। ये ग्रामीण क्षेत्र बड़ा सा है, बच्चा है, इसलिए। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है, कोयला गाड़ी इस रोड पर नहीं चलना चाहिए। नाम क्या हुआ? मोहम्मद अली हुसैन अंसारी। यहाँ पे रंगा में बकरी दाब दिया है कुर्बानी का खस्सी, और हम लोग इतना ग्रामीण वाला पंचायत से बैठक किए हैं कि इस रोड पे कोयला गाड़ी नहीं चलना चाहिए। आज हो सके बकरी दाब दिया है, कल का दिन हो सके किसी का बच्चा दाब जाएगा, किसी पब्लिक को दाब जाएगा, तो उसका भरपाई कौन करेगा? यहाँ पे प्रशासन पुलिस आ रहा है, उन लोग को फैसला नहीं कर रहा होगा। हम लोग को पूरा गांव वाला का बैठक किया है पंचायत में, लोग डिमांड है कि कोयला रोड का गाड़ी कोयला रोड में चलना चाहिए, इस रोड पर नहीं चलना चाहिए। कौन रोड है ये? क्या रोड का नाम बताइए? ये रांगा का थाना पड़ता है, लिट्टीपाड़ा का। इसमें सबका कोयला गाड़ी का चलने का अलाव नहीं है। इसमें कोयला रोड अलग रोड बना दिया गया पचे बड़ा होके। हम लोग का डिमांड है कि कोयला गाड़ी उसी रोड पे चला दिया जाए। बस, क्या नाम है आपका? उमर फारूक अंसारी। घर है ही रंगा। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट।
खबर समस्तीपुर से है। अदल सिंह सराय शहर के मालगोदाम रोड स्थित कृष्णा बेकरी में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल कर्मियों की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाया। अनुमानित करीब लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।